ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡ 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 लोगों ने बोला था कि बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर्स फाइट नहीं कर सकते, स्टेमिना बहुत डाउन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो मैंने यही बात को एक चैलेंज जैसा दिया और मैंने उन्हें ये करके दिखाने का ताबिश, अपने को लड़ना है, अपने को जीतना, अपने को गोल्ड लाना है। इसके पहले इस फील्ड में कितनी बार आप इस तरह की? दिस इज माई फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट मैंने मारा है स्टेट के लिए। लेकिन जिस तरह से आपको वीडियो हमने देखा और हमारे दर्शन भी देखेंगे, उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट, उसमें ऐसा लग रहा है एकदम प्रोफेशनल है और पहली प्रोफेशनल बनाने का काम मुझे ताबिश ने किया है। मेरे पीछे मेहनत जितनी भी है, मैं जो दिख रहा हूँ उसके पीछे की मेहनत ताबिश की है। तो क्या आपको जुनून था ऐसा कि पहली बार है लेकिन मैं कुछ अचीव करके जाऊँ? वो जुनून तो सब में रहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मुझे कुछ चैलेंजिंग करना है। नहीं, आपका जुनून मैं इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो मालूमात और जो भी जानकारी है कि विद इन 3 मिनट्स आपने वो प्रतियोगिता को ही खत्म कर दिया। हाँ। तो ये जो इस चीजें जो निकल के आ रही है, एक प्रोफेशनल नहीं हो आप, आपका पहला है और पहले भी इतने बेहतर तरीके से आपने किया, तो परफॉर्म करने के पीछे का क्या राज है? और सबसे बड़ी चीज कि आपकी बॉडी उस लेवल की भी नहीं है, क्योंकि आप ये बॉडी बिल्डर हो, महाराष्ट्र में शायद मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा मौका है जहाँ किसी बॉडी बिल्डर ने इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया। यस, तो वही एक मैं जैसा बोला कि ये चैलेंजिंग पार्ट था कि बॉडी बिल्डर्स नहीं कर सकते, बॉडी बिल्डर्स फाइट नहीं कर सकते, तो वही बात को गलत साबित करने के लिए हम लोग ने ऐसा किया कि चलो भाई एक चैलेंजिंग काम है, हम लोग करते हैं और ये करना था। अच्छा, कितने लोग इसमें हिस्सा लिए थे और प्रतिस्पर्धा में क्या क्या वहाँ का माहौल था? काफी लोगों ने लिया था, पूरी इंडिया से लोग आए थे, तो पूरी इंडिया से लोग आके फिर अलग 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 वेट कैटेगरीज के हिसाब से फिर आपका क्या कैटेगरी था? मेरा मिड वेट कैटेगरी था। तो बहुत बहुत आपको बधाई और शुक्रिया। अब बात करना चाहेंगे हम शेख साहब से। शेख साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है ताबिश शेख, मैं एमएमए फाइटर हूँ एंड मेरा प्रो बॉक्सिंग के अंदर डेब्यू हो चुका है। 2017 से मैं प्रो बॉक्सिंग हूँ और 2018 से मैंने पहला एमएमए स्टार्ट किया था। आप कहाँ से सीखे हैं? मैं ये और दुबई में भी हम ट्रेनिंग कर चुके हैं।
तो आपने भी आज एक ये लाइट वेट का आपने भी जीता है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को और भाई के अम्मी अब्बा को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके उनके बेटे को मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए बोला। और अब दिल से एक बात बताइए कि आपको अपनी जीत की ज्यादा खुशी है या अपने चेले की जीत की ज्यादा खुशी है? चेला नहीं बोला जाएगा, ये मेरे बड़े भाई है और सिखाने वाला हमेशा गुरु होता है, बड़ा छोटा का सवाल है। इसमें कुछ ऐसा कहना चाहूंगा कि मैं तो ट्रेनिंग के अंदर जो भी था मेरा, मेरी भी ट्रेनिंग चलने की और मुझे कुछ चीज उनसे भी सीखने के लिए मिला है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑल, जो मेरा लेवल एकदम डाउन था उनसे भी मेरे को काफी कुछ सीखने मिला। और बहुत उनका मतलब जो इसके खिलाफ जो था बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से वो बहुत टफ था और उन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दिन रात एक करके वो उसके पीछे लगे। और मुझे वो ये खुशी है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज महाराष्ट्र के फर्स्ट बॉडी बिल्डर है जिन्होंने कर दिखाया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, हमारे देश में अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोग जो है उनका झुकाव क्रिकेट की ओर रहता है मैक्सिमम लोगों का, उसके अलावा बाकी के जो गेम्स है स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई और इस तरह के जो उसके ऊपर न ही पब्लिक का ध्यान देता है और न ही गवर्नमेंट जो है उसको लेकर कुछ बेहतर कर पाती है, तो इसके बारे में यंगस्टर्स को क्या कहना चाहिए कि उनको किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए? सबसे पहले तो एमएमए जो अभी इंडिया में जो ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें लड़कियां भी अभी काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से सेल्फ डिफेंस भी है और हर किसी को इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए। ये गेम खेला कैसे जाता है, इसमें होता क्या है? इसमें सच ऐसा खेल सकते हैं लाइक बस इसमें विल पावर होना चाहिए। कितने मिनट का समय है? 5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, 5 मिनट के 3 राउंड। तो ये हम बात कर रहे थे आज के इन विनर से और काफी अच्छी चर्चा हुई, उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, किस तरह से इस गेम्स में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए इस बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जहां जैसा मैंने अभी कहा था कि क्रिकेट एक जुनून है ही, लेकिन उसके अलावा भी लोगों का खुद का सेल्फ एक इंटरेस्ट अलग अलग गेम्स में देखा जा रहा है, उसके नतीजे अपने सामने आते जा रहे हैं, तो ऐसे ही नतीजे भविष्य में भी आते रहेंगे। हमारे आसपास के लोग इस तरह से अपना ही नहीं अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। तो इन दो शख्सियत के अलावा यहाँ एक और शख्सियत मौजूद है, वो है फरहान जी के फादर, यहाँ है, उनका एक्सपीरियंस उनको कैसा महसूस हो रहा है, तेरा कैमरा वहां घुमाइए। नमस्कार, आदाब, सॉरी। आज मेरे दोनों बच्चों ने खेला है, वो खेल में मैंने दुआएं मांगी थी, दुआएं में हमारे मौलाना को बोला था कि हिफाजत की दुआ कर दोनों के लिए, दोनों बोले ये बच्चों के लिए नहीं अपोनेंट के लिए भी, और जहां जहां दुआ मांगी गई है वो दोनों के, दोनों जो भी रहे मेरे बच्चे के सामने जो भी अपोनेंट आए उनकी भी हिफाजत करे। और अल्लाह ने मेरी सुन ली कि जो आदमी हमेशा सेल्फिश रहता है, आदमी को क्या चाहिए, मेरा बेटा, मैंने ऐसी कहीं भी दुआ नहीं की, मैंने एक ही दुआ मांगी कि दोनों को हिफाजत से वो लोग खेले और किसको भी नुकसान नहीं हो, और अल्लाह ने मेरी बात सुन ली। और इन्होंने बोला उसमें 3 राउंड रहते हैं 15 मिनट के, उसमें से ये लोग ने दोनों ने 2 या 3 मिनट में ही अपना ये कर लिया है, फाइनल कर लिया पूरा खेल। और इसमें मेरे को भी ऐसा बताया जाए तो देखो वालिद होते हुए रात भर नींद नहीं आई है, हकीकत बताता हूँ, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के लिए बच्चे ने खेला, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दोनों जीते, अल्लाह उनको ऐसी ही तौफीक दे, ऐसे ही नेक रखे और हमेशा इनको खुश रखे, आमीन। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।